हाय गाइस, वेलकम टू आईडब्ल्यूएम। हेलो, बिग बिग कांग्रेचुलेशन, टॉप 11 पे आ गए हैं। थैंक यू सो मच। इज इट नर्वस इन स्टार्टिंग और एक्साइटमेंट बिगिन? देखिए, तो अभी नहीं, किसी ने भी नहीं। एक्साइटमेंट तो तभी शुरू हो गई थी जब हमने ड्रीम डेब्यू करा था हमारा। क्योंकि नर्वसनेस जजेस राउंड से था एक्साइटमेंट। वाह, नहीं वो दिखता भी, अच्छी बात है इसमें सच में। और अभी एक्साइटमेंट ही है क्योंकि अभी हर हफ्ते हमारे शो में नए नए गेस्ट आ रहे हैं और इतने बड़े बड़े लेजेंड्स आ रहे हैं। अभी हमको एक्साइटमेंट रहता है कि नेक्स्ट एपिसोड में कौन आएंगे, किससे मिल पाएंगे। और उससे भी ज्यादा इस बात का एक्साइटमेंट होता है कि जो गेस्ट आ रहे हैं तो उसके अंदर हमको गाने कौन से मिलेंगे और क्या गाएंगे और क्या कमेंट देंगे वो हमारे गाने पे, कैसे हम लोग प्रिपेयर करें वो गाने में ताकि वो लोग बेस्ट कमेंट दे सके हमको। तो ये सभी एक्साइटमेंट रहती है हमारे। So I have first segment for you. Who is most likely to? Oh, we are ready. Yes. So yeah. The first one is who is most likely to be a more funniest guy on a set? Yeah. No, anytime. Hamara Vineet. Okay, and who is the most serious one on a set? Serious. Okay. No, no, not really. No. I think Navdeep. Navdeep. Okay. Kaun sabse zyada time leta hai touch up ke liye? Ladkiyan. टचअप के लिए कौन है वो? मेरे को तो सारी लड़कियों का साथ साथ अच्छा। नहीं, मुझे नहीं को काव्या कौन से? नहीं, विदिप्ता। आई थिंक विदिप्ता, उसको ज्यादा टाइम उस पे नजर रहती है। मेरी भी काव्या पे रहती है, वो ज्यादा ध्यान देती है। ओके, हु इज मोस्ट फूडी ऑन द सेट? ये कल ही मेरे से केक मांग रही थी। तुम उसका खुद का केक तो उसने खा लिया। मेरे को आपने वो आपका जो केक है आप खाया आपने? नहीं, मैंने पूरा लौटा दिया। She is, because when I go to take, जब हम खाना सर्व कर रहे होते तो कभी कभी चिकन होता है, तो मैं ऐसे चिकन निकाल रहा था एक दिन, निकालते निकालते उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, क्योंकि मैंने लेग पीस निकाला था। मेरा हाथ पकड़ लिया इसने, मुझे उठा के मजबूर में इसकी प्लेट में वो लेग पीस डाल दिया। चिराग खाना लेके ऐसे अब क्या करता है वो मत बताओ। आपने कभी वो है रोटी और चावल साथ में खाता है? अरे रोटी चावल छोड़ो, उसने आप दुनिया में बता दिया तो सुन नहीं पाओगे। खीर में नींबू डाल के खाया होगा, वो चिराग ने किया है। खीर में नींबू और सुनिए, दाल चावल को रोटी के साथ खाना, पहले दाल चावल को ऐसे मिक्स करता है, उसके बाद रोटी से सब्जी की तरह खाता है। वाह, ही इज वियर्ड। वही कर सकते हैं, दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। एक बहुत दिन पहले एक पिक्चर वायरल हुआ था, एक लड़के ने बिरयानी के साथ टोमेटो सॉस रखा हुआ था, वो पिक्चर वायरल हो गया था। नहीं, लोग बोल रहे थे कौन है, वो चिरागी था, पता चला है। नहीं, बिरयानी के साथ टोमेटो सॉस चिराग भी चिराग कर सकता है, नहीं चलता है। हेलो, हम जज करने लगेंगे, तुम्हें मत बोलो ऐसे। अरे सही में यार, मैंने देखा है और लोगों को भी देखा है। बिरयानी के साथ मिक्स फ्रूट जैम, वो तुम करने वाली हो? पहले बता दो। नहीं, मैं नहीं जानता कौन है ये लड़की, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया अपनी जिंदगी से। बिरयानी के साथ कुछ नहीं जाता, अभी व्हाट्सएप पे भी मैं कर दूंगा। ओनली बिरयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, हु इज दैट वन पर्सन जो हमेशा सीरियस हो जाता है कोई भी जोक पे, वो उसको बुरा लगता है? विदिप्ता, राइट? सोनाक्षी भी है बट विदिप्ता नहीं, सोनाक्षी ना, सोनाक्षी विदिप्ता, सोनाक्षी ज्यादा है। और कौन प्रैंक करता है सेट पे या ऑफ सेट? और भी बहुत कुछ चल रहा होता है यार, टाइम ही नहीं होता। अगर बात किया जाए सेट पे कौन सबसे ज्यादा बटरिंग करता है जल्दी? हादी भैया, और कौन? नहीं, कंटेस्टेंट में से कौन बटरिंग कर सकता है भाई? बट इतने हिम्मत ही नहीं है किसी में, कोई नहीं, क्यों करेगा? वो हैं तो हैं, ये बटरिंग की जरूरत नहीं है। जब टैलेंट मैंने वही तो कहा, तो बटरिंग की जरूरत नहीं होती है। ब्रेड नहीं होता है ना बटरिंग। ओ भाई बस, इसको ब्लॉक करो इसको भाई, ब्लॉक करो, तुम्हारे दो कौड़ी के जोक से यहां नहीं चलेंगे, ब्लॉक करो। ओके, हु इज द लेम जोक सबसे मारता? अभी तो देखा आपने, इससे बेहतर लेम जोक्स था। सही बात, साइलेंट।
ओके लास्टली हु इज दैट वन पर्सन जो हमेशा लेट है, लेट लतीफ है? ऋषि इसको कट कर दीजिएगा। नवदीप ओके टॉप 11 है, जैसे कि मैं हमेशा देख रही हूँ कि सब कंटेस्टेंट बोले कि ऑल कंटेस्टेंट्स आर द फ्रेंड्स, बट दिस इज अ कंपटीशन शो वेयर यू कैन सी एवरीवन हैज अ कॉम्पिटिटर। अरे यार ये क्वेश्चन मत पूछो यार। हु इज दैट कॉम्पिटिटर? पूछो। कॉम्पिटिशन शो है, नो वन बी कैन अ फ्रेंड। माय कॉम्पिटिटर इज अनुष्का पात्रा। ये तुम्हारा ना मुझे ये तो एक पंचलाइन है, एक ये मैं सब हर आई थिंक हमारे टॉप 10 जो बचे हैं एक तो ये है, हम टॉप 10 का जो कंपटीशन है वो अनुष्का पात्रा बस। ठीक है, मेरी भी कॉम्पिटिटर ही है। ठीक है, सबकी कॉम्पिटिटर सब है, जो बाकी रियलिटी शो है जो इंडियन आइडल 14 आने वाला है उसकी भी कॉम्पिटिटर जो है वो अनुष्का पात्रा है। सब इतने अच्छे गा रहे हैं, सबके कंप्यूटर सब है, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं गाता है, सब एक लेवल के। और इसकी एक आदत भी है, इसको कोई भी गाना चल रहा हो थोड़ी सी वाह वाह क्या करती, कहती है मैंने की है। अरे यार मतलब कुछ भी तुमको किशोर दा हम मानते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ा नहीं है ना। अनुष्का के अंदर दो आवाजें हैं, एक पंचमदा की एक अनुष्का की है, तो उसको लगता है कभी कभी अनुष्का का कॉम्पिटिशन पंचमदा से चल रहा है इसलिए बोलती है अनुष्का कॉम्पिटिशन है उसका। राइट, लॉजिक। देखिए मैं तो एक मैसेज ये देना, वोट करना, वोट करते हैं, और सबसे ज्यादा अच्छा कि हम सबको इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आप सबके आशीर्वाद जो ब्लेसिंग्स है वो वोट के थ्रू हम सबको दीजिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है आपका वोटिंग, क्योंकि उससे डिपेंड होता है। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग हमारे ये शो देखते हैं आप टीवी पे देखिए प्लीज, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप इन सबको आशीर्वाद दीजिए और मुझे वोट्स दीजिए, और दिल से चाहता हूँ मैं, और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, लेकिन वोट सबसे ज्यादा मुझे दीजिए। नहीं, वोटिंग एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है, आप वोट करिए, उनको देंगे उनसे भी ज्यादा मुझे नहीं, सबसे ज्यादा सबको सबको वोट दीजिए, सबको प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए कि हम सब लाइफ में बहुत बड़े बने और बहुत सके, हमारे जो ड्रीम्स हैं हम लोग सब पूरे कर सके। और इंडियन आइडल देखते रहिए एवरी सैटरडे संडे रात 8 बजे सिर्फ सोनी टीवी पर, फिर साथ आने का बहाना है इस बार मौसम म्यूजिक आना है। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।